अगर आप सोचते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में सिर्फ खूबसूरत हसीनाएं मौजूद है जो अपनी अदाकारी के साथ साथ अपनी सुंदरता से भी तारीफें बटोरती है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में हमें ब्रिलियंट एक्टिंग के साथ बेहद हैंडसम दिखाई देने वाले कई अभिनेता भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से कई अभिनेता तो ऐसे भी है जो कि आज 30 साल की उम्र भी कंप्लीट कर चुके हैं, पर इसके बावजूद आज भी इतने यंग दिखाई देते हैं कि फैंस इन्हें 30 साल का नहीं बल्कि 25 साल का यंग अभिनेता ही समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ चुनिंदा टीवी एक्ट्रेस से रूबरू कराने वाले हैं जो 30 साल की उम्र में भी 25 साल के लगते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और रूबरू होते हैं उन अभिनेताओं से। नंबर 8, करण कुंद्रा। टीवी सीरियल के साथ साथ रियलिटी शो के लिए भी जाने जाने वाले अभिनेता करण कुंद्रा अक्सर किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में बने रहते हैं, जिनमें एक कारण इनका हैंडसम लुक भी है जो इन्हें इतना ज्यादा स्टाइलिश और हैंडसम बनाता है कि शायद ही इन्हें कोई 37 साल का कहेगा। जी हाँ, करण कुंद्रा 37 ईयर्स के हो चुके हैं पर अभी भी ये महज 25 साल की यंग एक्टर ही लगते हैं। नंबर 7, गौरव खन्ना। टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा में लीड एक्टर के तौर पर अनुज कपाड़िया का किरदार निभा रहे गौरव खन्ना सीरियल में अपने हैंडसम लुक की वजह से इतनी ज्यादा चर्चाओं में है कि आज लाखों करोड़ों लड़कियां इन पर फिदा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इतने यंग नजर आने वाले अभिनेता गौरव खन्ना की उम्र 40 साल है। नंबर 6, नकुल मेहता। टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर के साथ मोस्ट हैंडसम दिखाई देने वाले अभिनेताओं में अपना नाम टॉप पर शुमार कराने वाले अभिनेता है नकुल मेहता, जिन्होंने खुद को इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है कि इनकी परफेक्ट बॉडी और नैन नक्श हमेशा दूसरों को इनका दीवाना बना जाती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि आज अपने लुक की वजह से 25 की उम्र के लगने वाले अभिनेता जल्द ही 40 साल की उम्र पूरी करने वाले हैं। जी हां, जो फिलहाल 39 साल के है। नंबर 5, करण वी ग्रोवर। इन दिनों सीरियल बहुत प्यार करते हैं के लिए चर्चाएं बटोरने वाले अभिनेता करण वी ग्रोवर का नाम इस लिस्ट में शुमार है। आपको बता दें कि आज करण अपनी 40 साल की उम्र पार कर चुके हैं पर इस उम्र में भी ये 25 साल की यंग एक्टर ही लगते हैं, जिसकी एक वजह इनका हैंडसम लुक ही है जो कि परफेक्ट डाइट फॉलो करते हैं और अपने वर्कआउट पर भी बेहद ध्यान देते हैं। नंबर 4, करण वाही। हाल ही में प्रसारित हुआ टीवी शो चन्ना मेरिया में लीड एक्टर के तौर पर दिखाई देने वाले अभिनेता करण वाही का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है, जो कि आज 36 साल की उम्र पार कर चुके हैं पर इसके बावजूद भी ये इतने यंग नजर आते हैं कि इनके सामने शगुन पांडे भी एजेड लगती है। तो आज देश भर की लड़कियां इन पर फिदा है। नंबर 3, धीरज धूपर। जल्द ही शेरदिल शेरगिल में नजर आने वाले अभिनेता धीरज धूपर आज 37 साल की उम्र पार कर चुके हैं पर इसके बावजूद भी जिस तरह का ये ड्रेसिंग सेंस रखते हैं और अपने हेयर स्टाइल को जिस तरह से मेंटेन करते हैं उन सभी से तो ये इतने यंग नजर आते हैं शायद ही कोई उन्हें इस उम्र का समझेगा। नंबर 2, शाहिर शेख। महाभारत और ये रिश्ते हैं प्यार के जैसे सुपरहिट सीरियल का हिस्सा रहे अभिनेता शाहिर शेख का नाम इस लिस्ट के नंबर 2 पर है, जो कि एक्टिंग के साथ साथ लुक्स के मामले में भी इतने ज्यादा आगे है कि इन्हें टीवी इंडस्ट्री का हैंडसम हंक भी कहा जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार ये 30 साल के जो हो चुके हैं के बावजूद भी ये 25 साल के ही लगते हैं। नंबर 1, हर्षद चोपड़ा। इस लिस्ट में अभिनेता हर्षद चोपड़ा का नाम आना तो बनता ही है। आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है, सीरियल में लीड एक्टर के तौर पर अभिमन्यु का किरदार निभाने वाले हर्षद इतने ज्यादा यंग जो दिखाई देते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें आज अभिनेता हर्षद चोपड़ा 39 ईयर्स के हो चुके हैं पर इसके बावजूद भी इनके लुक्स को देखकर फैंस इन्हें 25 साल का ही बताते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बॉडी को एकदम परफेक्टली मेंटेन करके रखा है और साथ ही इनकी पर्सनालिटी का भी कोई जवाब नहीं। वेल दोस्तों, 30 साल की उम्र में भी 25 साल के दिखाई देने वाले इन टीवी अभिनेताओं में से आप किसके सबसे बड़े फैन है हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।